Okay, in SI units, K is written as 1 divided by 4 pi epsilon. SI units में K की value 1 by 4 pi epsilon naught लिखी जाती है. इस 1 by 4 pi epsilon naught में 4 pi एक अलग factor है, epsilon naught एक अलग factor है. दोनों को समझने की कोशिश करते हैं. What is the shape of the field around the point charge? एक point charge के इर्द गिर्द जो field होती है, it is in the form of a sphere. Spherical shape में होती है. अच्छा, what is the formula for area of a sphere? 4 pi r square. What is the formula for volume of a sphere? 4 pi r square. अच्छा, आप देख रहे हैं कि sphere के साथ ये 4 pi का factor associated है. चाहे आप area calculate करें या volume calculate करें. तो this 4 pi factor is because of spherical symmetry. ये 4 pi, this factor is because of spherical symmetry. Of field around point charge. ये भी याद रहेगी, सिर्फ point charge की बात हो रही है. और what is epsilon naught? It is a permittivity of free space. So, ये basically किसकी वजह से? ये medium की वजह से. यहाँ पे free space है. It is basically the permittivity factor. और permittivity में भी ये factor जो है, फिर epsilon naught पे अगर बहस की जाए, तो epsilon naught is equal to, see this expression. इस expression के मुताबिक epsilon naught की क्या value होगी? 1 by 4 by k. ये epsilon naught की value होगी. And we know the value of k. 1 over 4 pi into 9 into 10 to power 9 newton meter square per coulomb square. इस coulomb square को ऊपर ले जाएं, इस sector को divide करें, epsilon naught की value आएगी 8.85 into 10 to power minus 12 coulomb square per newton meter square. और calculations के लिए अगर आपने इसको adopt करना है, तो फिर ये सिर्फ 10 to power minus 11 ले लें. Is it a good approximation? Yes, sir. 8.85 approximately 9 है. 9 को तो आप पहले भी 10 बना चुकी हैं. तो 10 into 10 to power minus 12 becomes 10 to power minus 11. तो फिर आप calculations में इसको 10 to power minus 11 लेके जाएं. अच्छा, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं permittivity of free space. ये इसका एक नाम होगा, permittivity of free space. Also called as free static permittivity. इसको static permittivity भी कहते हैं. ये permittivity थोड़ी खतरनाक है, क्योंकि हर permittivity के at least दो नाम जरूर हैं. आगे चल के आपके पास absolute permittivity आने वाली है, medium की permittivity, फिर relative permittivity आने वाली है. तो इस वजह से उनके भी अलग अलग नाम हैं. तो आपको अभी से ये याद रखना होगा कि permittivity of free space को हम static permittivity भी कहते हैं. ये दोनों same values हैं. अच्छा, अब ये permittivity जरा define करते हैं कि permittivity basically क्या है. Permittivity basically refers to the permission of a medium towards the flow of electric field lines through it, या towards the interaction of electric field lines. दो charges मौजूद हैं किसी medium में. For example, वो medium air है. तो इन दोनों charges की electric field lines को air किस हद तक permission देती है interact करने के लिए, वो permission क्या कहलाती है? Permittivity. यही सिस्टम ऑफ चार्जेस आपने उठा के पानी में डाल दिया. अब वाटर उन्हीं दो चार्जेस को इंटरैक्ट करने के लिए कितनी परमिशन दे रहा है, वो क्या कहलाएगी? परमिटिविटी ऑफ वाटर. तो परमिटिविटी बेसिकली एक परमिशन है, एक मीडियम की एक इजाजत है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कितना फ्रीली इंटरैक्ट करने देगा. ठीक है, इट इज बेसिकली द परमिशन ऑफ अ मीडियम for
इंटरेक्शन या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। एक डेफिनेशन की ये, दूसरी डेफिनेशन जो हमारे काफी काम आने वाली है, परमिटिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम व्हिच इफेक्ट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस। अच्छा ये बताओ, एयर की डेंसिटी ज्यादा है या वाटर की? Water. महसूस क्या होता है कि चार्जेस एयर में ज्यादा फ्रीली इंटरेक्ट कर सकते हैं या वाटर में? एयर में। समझ आई कि नहीं आई? तो आप मुझे इन अदर वर्ड्स ये कह रहे हैं कि अगर चार्जेस एयर में होंगे तो उनके दरमियान फोर्स ज्यादा होगी, और अगर वाटर में होंगे तो उनके दरमियान फोर्स कम होगी। समझ आई कि नहीं आई? तो फिर हम परमिटिविटी को डिफाइन करते हैं कि द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम विच एफेक्ट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन चार्जेस। चेक करते हैं ना ये कैसे इफेक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल हमें के की वैल्यू मिल गई है और फोर्स का एक्सप्रेशन ऑलरेडी हमें पता है। फोर्स का एक्सप्रेशन था एफ इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू ओवर आर स्क्वायर। एफ इज इक्वल टू वन ओवर फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू ओवर आर स्क्वायर, कीपिंग ऑल अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। ये देखें क्या रिलेशन आ रहा है, इनवर्स रिलेशन आ रहा है। अब इसकी वैल्यू अगर आप देखो तो काफी स्मॉल है, 5। एक डेसिमल प्लेस आप पीछे भी गए हैं ना, तो इसलिए एक जीरो कम हो गया, 11 जीरोस आए हैं। ये वैल्यू काफी स्मॉल है, और इस वैल्यू के बारे में एक बात और याद रखें कि ये नेचुरल कांस्टेंट है, ये नेचुरली एग्जिस्ट करती है कि जब भी दो चार्जेस एयर में इंटरेक्ट करेंगे तो एयर या वैक्यूम इतनी परमिशन देगा, इससे ज्यादा परमिशन। अच्छा अगर ये वैल्यू एग्जैक्टली जीरो होती तो फिर क्या होता? Infinite. वो भी कर लेते हैं। अगर ये एप्सिलॉन नॉट जीरो होता तो F is equal to बाकी तमाम फैक्टर्स हैं उनको अगर मैं कह दूं कि वो एक कांस्टेंट C prime है, तो फिर एप्सिलॉन नॉट नीचे आएगा। C prime over zero is equal to infinity का मतलब infinity नहीं होता, infinity का मतलब होता है the maximum value। infinity का मतलब जहां पे आपकी हद खत्म हो जाए, उसके बाहर आप ऑब्जर्व ना कर सके। मैं आपको बड़ी आसान सी एग्जाम्पल देता हूँ, मेरा हाथ इस जेस्चर तक नहीं पहुंच रहा, ये मेरे लिए इन्फिनिटी पे। इसकी एक और एग्जाम्पल आप लोगों ने एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में भी ली है कि हर वो पॉइंट जो फील्ड के जस्ट बाहर हो वो फील्ड के लिए कहाँ है। तो अब देखो अगर ये वैल्यू जीरो होती तो फिर दो चार्जेस के दरमियान फोर्स मैक्सिमम होती। इन्फिनिटी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई भी फोर्स इनफाइनाइट नहीं हो सकती। वो फोर्स क्या होती? मैक्सिमम होती। अगर एयर फुल परमिशन मैक्सिमम परमिशन नहीं दे रहा तो इसका मतलब जानते हो क्या है? 100% वैक्यूम पॉसिबल नहीं है, 100% फ्री स्पेस पॉसिबल नहीं है। यानी अगर आप वैक्यूम भी कंसीडर कर रहे हैं तो वहां पर भी कुछ ना कुछ पार्टिकल्स मौजूद हैं जो इनको फ्रीली इंटरैक्ट करने, लेकिन बहरहाल जो सबसे कम डेंसिटी है वो वैक्यूम की है, इसीलिए चार्जेस के दरमियान सबसे ज्यादा फोर्स कौन से मीडियम में होगी? वैक्यूम में होगी, फ्री स्पेस में होगी। हम उसको मीडियम भी नहीं कहेंगे, रादर वी विल कॉल इट अ फ्री स्पेस। इज इट क्लियर टिल नाउ? ओके, तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन है मैग्नीट्यूड के लिए फॉर कूलम फोर्स बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस। यहां से हम यूनिट ऑफ चार्ज को डिफाइन करते हैं। व्हाट इज द यूनिट ऑफ चार्ज? अच्छा कूलम, कूलम इज द यूनिट ऑफ चार्ज। अगर मैं आपको
सुना दे तो आपको समझ आ जाती है तो वेल एंड गुड, नहीं समझ आती तो फिर मैं आपको इधर ही याद करवा दूंगा. वन कूलम इज अ चार्ज विच व्हेन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 meter फ्रॉम एन इक्वल एंड सिमिलर चार्ज विल एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ 9×10⁻⁹ N. तो मुझे बड़ी खुशी हुई आप लोगों के चेहरों को देख के पता चल गया कि कुछ भी समझ नहीं आया. सुनो आप, मैंने जो कहा है वो आपको भी याद हो जाएगा. Q1, Q2, ठीक है, ये दो चार्जेस हैं. इस चार्ज का मैग्नीट्यूड भी 1 कूलम, इस चार्ज का मैग्नीट्यूड भी 1 कूलम. इन दोनों चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना है? 1 मीटर. अगर ये शराइत तय हो जाए तो इन दोनों के दरमियान जो फोर्स होगी वो 9×10⁹ N होगी. स्टिल ये याद होने वाली बात नहीं है कि आपको याद हो गई हो. लेट मी शो यू कि ये कैसे याद होगी. फोर्स का एक्सप्रेशन निकाल लो, के Q1, Q2 और R square. अब बताओ K की क्या वैल्यू है? 9×10⁹ N m² पर कूलम स्क्वायर मल्टीप्लाई विद Q1 कितना है? 1 कूलम. Q2 कितना है? 1 कूलम. और डिस्टेंस कितना है? 1 meter होल स्क्वायर. देखते जाओ. अच्छा, F=9×10⁹ N. न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, कूलम इंटू कूलम, कूलम स्क्वायर. एंड 1 meter स्क्वायर इज 1 meter होल स्क्वायर इज 1 meter स्क्वायर या मीटर स्क्वायर. कैंसिलेशन करें, रिजल्ट क्या है? मेरे ख्याल में याद हो गया. Yes, sir. अब समझ पड़ा कि मैं क्या कह रहा था? Yes, sir. अब मैं सुनाता हूं और रियलाइज करो. 1 कूलम इज द चार्ज विच व्हेन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 meter फ्रॉम एन इक्वल एंड सिमिलर चार्ज विल एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ 9×10⁹ N. 1 कूलम चार्ज वो चार्ज है जिसको जब आप एक इक्वल और सिमिलर चार्ज यानी एक और 1 कूलम चार्ज से 1 meter के फासले पे रखें तो वो उसके ऊपर कितनी फोर्स एक्सर्ट करता है? 9×10⁹ N फोर्स एक्सर्ट करता है. ये बड़ी हाई वैल्यू ऑफ फोर्स है. लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. आपका मास कितना है? 78 केजी. आपका वेट कितना है? 60 केजी. इसका वेट 60 केजी है. आपका वेट कितना है? रेड शर्ट जो आपने पहनी है, क्या नाम है आपका? 70 केजी है. अब सुनो, मैं पूछता हूँ वेट, ये बताते हैं मास. क्या नाम है आपका? शम्स से मैंने पूछा कि वेट कितना है तो क्या बताते हैं? मास मैंने बताया. अच्छा, मास कितना है आपका? 78. और आपका वेट कितना है? 780 न्यूटन. आपने एक फैक्ट रियलाइज किया, वेट और मास में फर्क है. W इज इक्वल टू mg. मैं मास पूछूं तो मास बताएं, वेट पूछूं तो वेट बताएं. मैं आपको रियलाइज कराता हूं. जैसे कि ये स्टूडेंट बता रहे हैं कि इनका वेट 780 न्यूटन है, अप्रोक्सीमेटली मैं उसको 800 न्यूटन कंसीडर कर लेता हूं. तो आप सर्टेन हाइट से, थोड़ी हाइट से जमीन के ऊपर जंप करो, आप जमीन पे कितनी फोर्स एग्जर्ट करोगे? 800 न्यूटन. तो जमीन आपकी लेग्स के ऊपर कितनी फोर्स एग्जर्ट करेगी? एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड. 800 न्यूटन फोर्स को आप फील करेंगे कितनी होती है? अपने वेट के बराबर फोर्स को कभी फील करेंगे कितनी होती है? और फिर उस 800 के मुकाबले में इस फोर्स को देखें. अच्छा, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 न्यूटन. यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, 1,00,000, 10,00,000, 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 10,00,000
मैक्सिमम चार्ज के ऊपर 9 अरब न्यूटन फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, जो कि आप और मैं इमेजिन भी नहीं कर सकते। इसलिए मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में समझाया था कि कूलम फोर्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज द सेकेंड स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ द नेचर। ये सेकेंड स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, समझ आई कि नहीं आई? तो जब दो 1 कूलम चार्ज आपस में इंटरेक्शन में आते हैं ना, तो इतने मजबूत बांड बनते हैं, इतनी हाई अट्रैक्शन होती है कि एटम की डिस्ट्रक्शन इम्पॉसिबल हो जाती है। एटम्स को आप कोई छोटी मोटी फोर्स लेके डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। इज इट क्लियर? थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।